Hello friends, I am Hirinder Singh. I welcome you all to this session of Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. Friends, tense एक ऐसा complicated factor या part of the grammar है कि जिसको बड़ी बारीकी से जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसके इस प्रकार के sentences ना तो बोल सकते हैं और ना उनको लिख सकते हैं. सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और मैट्रिक एग्जामिनेशंस में ऐसे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस का यूज़ करना पड़ता है, हमें उसे करेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ता है. यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस या कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की पहचान करके उसमें करेक्ट टेंस को यूज़ करना पड़ता है. तो आज हम ऐसे ही कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर रिगार्डिंग टेंसेस के को लेकर के हम यहाँ आए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे. द टेंस नॉलेज विल बी क्लियर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. सो बी अटेंटिव एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट इन द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग टेंसेज. सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर वन क्या है कि पास्ट टेंस में आगे पीछे संपन्न हुए दो कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए पहले संपन्न होने वाली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में होने वाले कार्य के लिए पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. अर्थात जैसे कहने मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ऐसे ही कुछ प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं. जैसे इसमें लिखा घंटी लगने के पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था. दो काम हो रहे हैं पास्ट टेंस में, मतलब कि ये पहले संपन्न हो चुके हैं काम, लेकिन एक के बाद दूसरा काम संपन्न हुआ है. अर्थात कहने का मतलब पहला काम संपन्न होने के बाद मैं विद्यालय पहुंच गया था पहले और घंटी बाद में लगी. इस सेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मैं विद्यालय पहुंच गया था. आई हैड, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले वाली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड रीच्ड स्कूल. अब पहले, पहले के लिए क्या शब्द आता है? बिफोर. एक के बाद दूसरे होने वाली घटना के लिए हम बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें पहले लगा हुआ है अध्यापक ने, सॉरी पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था. आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर घंटी लगने के पहले. द बेल, घंटी लगी और बेल को हम पास्ट टेंस में लिखेंगे रैंग. रिंग माने बजना, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. इसलिए ये बेल, बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजी उसके पहले ही मैं स्कूल पहुंच गया था. दूसरा सेंटेंस देखेंगे, परीक्षा शुरू होने से पहले अध्यापक ने पाठ नहीं समाप्त किया था. मतलब निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पे अध्यापक का पाठ समाप्त किया जाना और परीक्षा शुरू होने से पहले, इसका मतलब कि कोई काम नहीं किया जा चुका था. कौन सा काम था वो? अध्यापक ने पाठ समाप्त नहीं किया था जबकि इसको करना चाहिए था. तो ये हो जाएगा द टीचर हैड नॉट, क्योंकि नहीं किया था, हैड नॉट completed the lesson. ये तो काम पहले नहीं हुआ था और परीक्षा शुरू होने से पहले. before the examination started. इसमें एग्जामिनेशन बाद में स्टार्ट हुआ लेकिन वो काम समाप्त हुआ नहीं, अर्थात समाप्त हो जाना चाहिए था काम को, लेकिन समाप्त किया नहीं जा चुका और उसके बाद एग्जामिनेशन शुरू हो गया. समाप्त पूरा नहीं हुआ था, इसके बाद एग्जामिनेशन, अर्थात उसके पहले एग्जामिनेशन शुरू हो गया. क्या तुम ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन पहुंच गए थे? ये निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. निगेटिव तो यह सेंटेंस था, नहीं लगा था. इसमें क्या लगा हुआ है? अर्थात हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. क्या तुम पहुंच गए थे? हैड
क्या के लिए हैड आ जाएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, हैड यू रीच्ड, हैड यू रीच्ड द स्टेशन, हैड यू रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म आ गया, अर्थात क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके थे बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के छूटने से पहले, अर्थात जो ट्रेन बाद में छूटती और तुम्हें पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, तो वो प्रश्न पूछा जा रहा क्या तुम पहले पहुंच चुके थे बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। अगला रूल देखिए, यही काम जो दो घटनाएं पास्ट टेंस में एक के बाद दूसरे की पूर्णता को दिखाती हैं, कि एक काम पहले पूरा हो चुका होगा उसके बाद दूसरा काम होगा, तो उस अवस्था में फ्यूचर टेंस में संपन्न होने वाले दो काम के कार्य के लिए पहले किए जा चुके कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग, और अर्थात विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तथा बाद में होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक काम की समाप्ति के बाद दूसरा काम जब होगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और पहले समाप्त हुए काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे घंटी लगने के पहले छात्र स्कूल पहुंच चुके होंगे, फ्यूचर टेंस में दोनों घटनाएं हो रही हैं, लेकिन एक काम पहले पूरा हो चुका होगा उसके बाद दूसरी घटना उसको फॉलो होगी। तो छात्र स्कूल पहुंच चुके होंगे, स्टूडेंट्स विल हैव, पहले समाप्त हुई घटना के लिए विल हैव, और पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच, और थर्ड फॉर्म आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल, और इसके बाद इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। बाद में जो काम होगा, अर्थात घंटी बाद में लगेगी और स्कूल में विद्यालय पहले पहुंच, विद्यालय में स्टूडेंट्स पहले पहुंच चुके होंगे, तो यहां पर बेल रिंग्स। अब हमने, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेल सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने क्रिया में एस या ईएस लगा करके इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना दिया। अगला सेंटेंस देखेंगे, अध्यापक के कहने से पहले ही छात्र निबंध नहीं लिख चुके होंगे, अर्थात जो काम पहले कर लेना चाहिए था उन्होंने नहीं कर चुके थे, वे लोग उस काम को नहीं किए थे, किए होंगे तो छात्र निबंध नहीं लिख चुके होंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि, तो स्टूडेंट्स विल नॉट हैव, पहला क्योंकि समाप्त, पहला काम समाप्त हो जाना चाहिए फ्यूचर टेंस में, लेकिन वो नहीं कर चुके थे, लेकिन उनको कर देना चाहिए, नहीं, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव रिटन, रिटन द, रिटन एन एसे, एन एसे बिफोर द टीचर। अब देखो अध्यापक कहने से पहले, अध्यापक कहेगा उसके पहले वे लोग काम नहीं कर चुके होंगे, द टीचर सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो एक काम की समाप्ति के बाद और दूसरा काम समाप्त अगर होने, दूसरा काम होगा तो उस पहले हुए समाप्त काम के लिए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, और बाद में होने वाले काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन रूल नंबर 3 में देखेंगे हम कि फ्यूचर टेंस में अभी दो काम होने, दोनों काम होने बाकी है, एक के बाद दूसरा काम होगा जो समाप्त होने की स्थिति तो दिखाता है, लेकिन दोनों काम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिखाई देते हैं। तो जब दोनों काम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक के बाद दूसरा होना की, होने की स्थिति दिखाती है, तो उस स्थिति में हमें एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहां पर तुम्हारे आने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मतलब तुम पहले आओगे तब मैं जाऊंगा, कहने का मतलब कि मैं बाद में जाऊंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, वो पहले आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो तुम्हारे आने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगा, पहले हम इस सेंटेंस को मेन सेंटेंस ये, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये हो जाएगा आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर,
मैं यहां से नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, पहले अर्थात बिफोर, बिफोर यू कम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक उसी तरह से दूसरा वाक्य है, जब तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी पुस्तक लौटा दूंगा। कहने का मतलब दोनों काम अभी फ्यूचर टेंस में संपादित होने हैं और दोनों एक के बाद दूसरा काम संपादित होगा। जब तुम कहोगे अर्थात व्हेन यू से, और तब मैं तुम्हारी पुस्तक लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर बुक। तो यहां पर जो काम बाद में होगा, रिटर्न किताब को बाद में रिटर्न किया जाएगा, वो फ्यूचर टेंस में होगा, आई विल रिटर्न योर बुक व्हेन, जब तुम कहोगे व्हेन यू से, व्हेन माने जब, यू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे, मतलब दोनों काम फ्यूचर टेंस में होंगे, लेकिन पहले होने वाले काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद में होने वाले काम के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टूल में हम देखेंगे कि जिस सेंटेंस में बाई के साथ फ्यूचर टेंस का सूचक कोई भी शब्द लगा हुआ है तो उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सपोज ओनली वन सेंटेंस इज देयर बिफोर यू, केवल आपके सामने केवल एक सेंटेंस लगा हुआ है जिसमें कि बाई के द्वारा भविष्य में होने वाले किसी काम के साथ के पहले बाई लगा हुआ है, तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, बाई प्लस फ्यूचर समय के भाव को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट, कहने मतलब विल हैव या शैल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आजकल प्रायः उसका प्रयोग किया नहीं जाता है, का प्रयोग होता है। इसका मतलब अगले दिए गए समय तक कोई काम पूर्ण हो चुका होगा। इस तरह से इसके लिए वाक्यों में बाई देन, बाई दैट टाइम, बाई कमिंग टाइम, बाई द नेक्स्ट टाइम, इस तरह से भाव व्यक्त किए जाते हैं या इस प्रकार के फ्रेजेस उसमें यूज किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस विल बी रिटन इन प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो आज सेंटेंस देखिए, आज शाम तक मैं अपना अधूरा काम पूरा कर लूंगा, मतलब आने वाले समय तक। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम टुडे, सो बाय द टाइम, बाय द इवनिंग टुडे, आज शाम तक मैं अपना काम अधूरा काम पूरा कर लूंगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे मैं अपना अधूरा काम पूरा कर चुका हूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई इनकम्प्लीट वर्क, माई इनकम्प्लीट वर्क। अब बाई लगाना पड़ेगा अर्थात तक, या टिल भी कह सकते हैं, बाई द इवनिंग टूडे, आज शाम तक मैं ये काम पूरा कर लूंगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगले शनिवार तक, कहने का मतलब कि शनिवार जो आगे आने वाला है उस समय तक वह एक नई कार खरीद लेगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही विल हैव, खरीदना की इंग्लिश होती है परचेज, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा परचेज्ड, ही विल हैव परचेज्ड ए न्यू कार। कब तक खरीद लेगा, बाय द कमिंग सैटरडे या बाय द नेक्स्ट सैटरडे, न्यू कार बाय द अगले शनिवार, नेक्स्ट सैटरडे। तो जिसमें बाय के साथ हम अगर फ्यूचर टेंस का कोई भी इंडिकेटिंग वर्ड देखते हैं तो उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला अंतिम है, मेहमानों के आने के समय तक माँ खाना बना लेगी, मदर, मेहमान आएंगे उस समय तक काम पूरा हो चुका है होगा या माँ खाना बना चुकी होगी। मदर विल हैव कुक्ड फूड बाय द टाइम, मेहमानों के आने के समय तक, बाय द टाइम By the
टाइम ऑफ द गेस्ट्स बाय द कमिंग टाइम, बाय द कमिंग टाइम, क्योंकि आने के समय तक लिखा हुआ है, बाय द कमिंग टाइम, सॉरी यहां पर स्पेस बहुत कम रह गया है, बाय द कमिंग टाइम ऑफ द गेस्ट्स, बाय द कमिंग टाइम ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के आने के समय तक, मतलब कि जब मेहमान आएंगे उस समय तक खाना बना लेगी माँ। रूल नंबर 5 में देखिए, लेकिन बाई के साथ अगर पास्ट टेंस का द्योतक कोई शब्द लगा हुआ है, सम वर्ड इंडिकेटिंग द पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं, बाई द लास्ट टाइम, बाई द लास्ट मंथ, बाई द लास्ट ईयर, बाय द लास्ट वीक, ऐसे कुछ फ्रेजेस का प्रयोग वहां पर हुआ होगा। तो बाई के साथ अगर बीते हुए समय की तरफ संकेत दिया जा रहा है तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दिसंबर 2020 तक मैं इस कॉलोनी में 25 साल रह चुका था, कहने का मतलब 2020 इज ओवर नाउ, तो उस समय तक हम इस कॉलोनी में 20 साल तक रह चुके थे। आई हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, आई हैड लिव्ड इन दिस कॉलोनी ट्वेंटी फाइव ईयर्स बाय डिसंबर 2020। I had lived in this colony 25 years, yeah, for 25 years, for 25 years by December 2020. इस समय 2020 तक, 2020 जो का समय जो निकल चुका है, उस समय तक हमें यहाँ इस कॉलोनी में 20 साल रह चुके थे, 20 साल हो चुके थे रहते हुए। पिछले साल इस लेखक ने 5 उपन्यास लिख लिया था। पिछले साल तक मतलब जो साल निकल गया, तो दिस राइटर हैड रिटन 5 novels बाय द लास्ट ईयर। पिछले समय तक जो काम हो गया था उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, बाय द लास्ट ईयर। वैसे कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंगल सेंटेंस के लिए नहीं किया जाता। इट मीन्स दैट टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस यू विल हैव टू स्पीक 2 सेंटेंसेस इंडिकेटिंग 1 पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द अदर इंडिकेटिंग प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि 2 एक्शंस के साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो अकेले नहीं किया जाता है। हाँ, अगर बाय द लगा हुआ है, पिछले समय तक यह काम हो चुका था, यह काम कर लिया गया था, उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, दैट राइटर हैड रिटन 5 नॉवेल्स बाय द लास्ट ईयर। रूल नंबर 6 में देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं विच आर द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपियरिंग, वर्ब्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात कहने का मतलब है कि इंस्टिंक्ट्स, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जिसको कहते हैं, सहज भाव प्रवृत्तियां वाले जो वर्ब्स होते हैं, उन वर्ब्स को कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता। जैसे अब इसमें कुछ क्रियाएं हैं हमने दे रखी हैं, वैसे तो देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिस वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या वर्ब्स ऑफ अपियरिंग, वर्ब्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब बड़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ हमने कुछ मेन वर्ब्स दे रखी हैं, जैसे अगर सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ परसेप्शन या समझ, इमोशंस जिसकी भावनाएं व्यक्त की जाएं, अपियरिंग दिखाई देने वाली, आभास होने वाली, प्रतीत होने वाले, ऐसी क्रियाओं में जिसमें सीम, लुक तथा सी, हियर, स्मेल, विश, ये सब क्रियाएं जो हैं, ये हम देखते हैं कि हमारी नेचुरल प्रवृत्तियां होती हैं, सहज भाव की प्रवृत्तियां होती हैं, इनके साथ कभी भी किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रियाएं आदि कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जाती। जैसे आई एम इमेजिनिंग ऑफ, अब यहां पे अगर हम यहां लिखें कि आई एम इमेजिनिंग ऑफ ए बेटर प्रॉस्पेक्ट ऑफ माइंड, मैं अपने एक अच्छे भविष्य की कल्पना करता हूं, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, आई एम इमेजिनिंग, तो कभी भी आई एम इमेजिनिंग नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को यहां रॉन्ग कर दिया है। आई एम इमेजिनिंग, मैं अपने
अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहा हूं, हिंदी में तो आप बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन इंग्लिश सेंटेंस तो दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। इसलिए हमें इसको कैसे कहना पड़ेगा, आई इमेजिन ए बेटर प्रॉस्पेक्ट ऑफ माइंड, मैं अपने बेटर प्रॉस्पेक्ट को इमेजिन करता हूं या कल्पना करता हूं, कल्पना कर रहा हूं नहीं कहा जाएगा इंग्लिश में, आई एम इमेजिन ए बेटर प्रॉस्पेक्ट इज रॉन्ग सेंटेंस। लेकिन ही इज माइनिंग हिज, अभी देखो माइंडिंग, माइंड माने मतलब सोचना विचारना, इसको माइंड कहते हैं। जैसे कहते हैं डोंट माइंड माई कमिंग हियर, इफ यू माइंड माई कमिंग हियर, क्या आप मेरे आने का यहां बुरा तो नहीं माने, माइंड माने होता बुरा मानना। लेकिन यहां पे ही इज माइंडिंग हिज चिल्ड्रन, यहां पर हमने माइंडिंग का प्रयोग किया, यहां माइंडिंग का मतलब हो गया है लुक आफ्टर, वो अपने बच्चों की लुक आफ्टर कर रहा है। तो माइंड का मतलब यहां पे बुरा मानना नहीं, बल्कि वो हो जाएगा लुक आफ्टर के अर्थ में आया है। तो कहीं कहीं जब कुछ ऐसे वर्ब्स जो हैं वो दूसरे सेंस को प्रकट करते हैं तो उनको कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जा सकता है, लेकिन एज यूजुअल दे विल नॉट बी रिटेन इन कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई एम माइंडिंग योर बिहेवियर, ये गलत है, आई एम माइंडिंग योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार को बुरा मान रहा हूं, आई एम नॉट प्लीज्ड एट योर बिहेवियर, कहने का मतलब कि माइंड यहां माइंड होगा ना कि माइंडिंग होगा, इसीलिए सेंटेंस गलत है। तो यहां कुछ ऐसी जो वर्ब्स हैं हमें देखना चाहिए, जैसे हेट करना, लव करना, थिंक करना, सोचना, सपोज करना, और आई एम सपोजिंग नहीं कहा जाएगा, आई सपोज दैट ही विल कम हियर, आई एम सपोजिंग मैं कल्पना कर रहा हूं या मैं मान रहा हूं कि इट विल रेन टूडे, ऐसा नहीं कह सकते हैं, आई सपोज इट विल रेन टूडे, ना कि आई एम सपोजिंग। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ऐसी सेंटेंस, ऐसे वर्ब्स जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आई एम नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, आई एम नोइंग हिम ये नहीं कह सकते, मैं उन्हें 10 साल से जानता हूँ, या आई हैव बीन नोइंग हिम, जैसे कहा जाए कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उन्हें 10 साल से जान रहा हूं, तो ये सेंटेंस गलत है। आई हैव बीन नोइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो जो है वो सहज अपनी इंस्टिंक्ट में आती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट में आती है, इसलिए आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स कह सकते हैं, या आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स इसको कह सकते हैं, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, लेकिन आई एम नोइंग नहीं कहा जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हमारे कभी कभी दे विल मेक अस लॉफिंग स्टॉक बना देते हैं, इसलिए इनको हमें ध्यान से देखना है। इसी क्रम में रूल नंबर 7 पर हम देखेंगे कि रिसेंटली, जिस वाक्य में रिसेंटली लगा होगा, जस्ट रिसेंटली मीन्स हाल ही में, हाल ही में, जस्ट माने अभी अभी, ऑलरेडी माने बहुत पहले ही, सो फार माने अभी तक, बाई नाउ मीन्स अभी तक, टिल नाउ माने अभी तक, येट मीन्स भी अभी तक होता है, ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब कि कर्ता के बाद हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमने लिखा, हाल ही में मेरे अंकल अमेरिका से लौटे हैं, तो वो लौट चुके हैं, इसका मतलब कि सम एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड ऑलरेडी, तो इसलिए अभी हाल ही में ये काम हुआ है, तो माय अंकल हैज रिसेंटली, माय अंकल हैज रिसेंटली returned from America, या my uncle recently has, इसको recently को ए यहां पे ले आकर के has returned
फ्रॉम अमेरिका ये करेंगे, माय अंकल रिसेंटली हैज रिटर्न फ्रॉम अमेरिका या हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, यू कैन रिप्लेस रिसेंटली बिफोर हैज ऑल्सो, उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, मतलब अभी तक आ गया, इसका मतलब अभी तक के लिए हमने यहां कई सारे शब्द लिखे लेकिन इसमें येट का प्रयोग होगा, ही हैज नॉट ओपेंड द डोर येट, इसका मतलब कि पहले से वह दरवाजा खटखटा रहा है लेकिन अभी तक उसने दरवाजा नहीं खोला है, क्या वो अब तक अध्ययन कर चुका है? अब यहां पे क्योंकि अब तक लगा हुआ है और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैज ही स्टडीड अच्छा स्टडीड बाय नाउ माने अभी तक, सो फार ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहां पर नेगेटिव में येट का प्रयोग होगा या सो फार भी यहां पर लगा सकते हैं, सो फार माने अभी तक, इसका मतलब अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तो ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए यहां एट का प्रयोग, अभी तक ये काम नहीं हुआ है, और अगर पॉजिटिव है तो वहां पर नाउ का, टिल नाउ, बाय नाउ, इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 8 में, नाउ एट दिस टाइम, प्रेजेंटली एट दिस मोमेंट, दीज डेज, टेम्परेरी एक्शन कोई हो या प्लान्ड एक्शन या अरेंज्ड एक्शन इन फ्यूचर के लिए कोई एक्शन डिसाइड कर लिया गया हो, अरेंज किया गया हो, यहां स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं कि एक शब्द है स्टिल माने अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, तो ये सब सिचुएशंस जो हैं या ये सब वर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करते हैं कि सम एक्शन इज एट दैट टाइम गोइंग ऑन, इस समय मेरे पिताजी बॉम्बे में रह रहे हैं, इसका मतलब कि प्रेजेंटली ही इज लिविंग एट बॉम्बे, ही इस समय, दिस टाइम, या एट प्रेजेंट कह सकते हैं, एट प्रेजेंट माय फादर इज लिविंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इज आरएम के साथ और आईएनजी क्रिया में आता है, माय फादर इज लिविंग इन बॉम्बे, मतलब कि वो इसी समय, इस समय जो एक्शन चल रहा होगा या उस समय जो स्थिति है वर्तमान में वो कॉन्टिन्यूअस कंडीशन में है अभी भी, इसलिए वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। दूसरा देखिए, वर्तमान में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वर्तमान में यहां हम लिखेंगे प्रेजेंटली नाउ इट इज भी कहते हैं, नाउ इट इज प्रेजेंटली अथवा नाउ इट इज माने आजकल, नाउ इट इज द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स या कमोडिटीज कहते हैं, कमोडिटीज माने उपभोग की वस्तुएं, नाउ इट इज द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स आर राइजिंग माने बढ़ती जा रही हैं, ग्रोइंग स्टेज ऑफ द प्राइसेस, presently या nowadays the prices of the things are rising। फिर देखिए, मेरे मित्र कल जयपुर आ रहे हैं, अब देखिए कल जो एक्शन कल के लिए अरेंज किया गया है, अगर देखा जाए तो ये तो फ्यूचर टेंस में हो गया, लेकिन फ्यूचर टेंस में अगर कोई काम पहले से डिसाइड किया गया है कि ये होना है तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, मेरे मित्र कल जयपुर पहुंच रहे हैं, माई फ्रेंड्स रहे हैं, आर रीचिंग टू जयपुर टुमारो, कल माई फ्रेंड्स आर रीचिंग टू जयपुर, या रीचिंग जयपुर टू नहीं भी लगा सकते हैं, रीचिंग
जयपुर टुमारो। इन दिनों एक नॉवेल लिख रहा हूं। अब देखिए इस समय प्रेजेंट तो अब लिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि कोई भी टेम्परेरी एक्शन जो चल रहा होगा, जो उस समय चल रहा होगा, उसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि जो एक्शन हमारे इस समय प्रेजेंट हमारी आंखों के सामने चल रहा है उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मानते हैं, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे एक्शंस जो टेम्परेरी शुरू हुए हैं और अभी भी कुछ समय के लिए चल रहे हैं उसको भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। मैं इन दिनों एक नॉवेल लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं ए नॉवेल दीज डेज, इन दिनों, दीज डेज, इन दिनों जब भी लगेगा उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब हम रूल नंबर 9 पे देखिए क्या चीज है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। मतलब अभी हमने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितनी भी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, स्वभाव की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सहज क्रियाएं होती हैं, आदत अगर आदमी की होती है, नेचर का कोई कानून होता है, नेचर्स नियम, नेचर्स लॉज, मतलब प्राकृतिक नियम एवरीडे लगा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कही गई हो, ईच डे, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम माने बहुत कम, सेल्डम का मतलब बहुत कम होता है, रेयरली माने भी बहुत कम, बहुत मुश्किल से कोई काम हो, कस्टम की बात कोई कही गई हो, परंपरा जो रीति रिवाज और परंपराएं, एक्सक्लेमेटरी सेंस, कहने का मतलब ये कि मतलब जो आश्चर्य से व्यक्त किए जाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंस में। फ्यूचर इवेंट के लिए, आगे आने वाली कोई घटना हो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे हमने बताया फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ गया है, और फ्यूचर इवेंट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, या क्रिया में एस या एस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया में एस या एस होगा, अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज नॉट आदि का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अब हम सेंटेंस लेते हैं, मेरे पड़ोसी अक्सर मंदिर जाते हैं, तो इसका मतलब कि माई नेबर, NEIGHBOUR, माई नेबर ऑफन या यूजुअली कह सकते हैं, सामान्य रूप से यूजुअली गोज आ गया, गोज जाते हैं, क्योंकि नेबर सिंगुलर नंबर में है, गोज टू टेम्पल, मंदिर जाते हैं। कल प्रधानमंत्री जयपुर आएंगे, देखिए अभी वही बात की कि अगर कल कोई कार्यक्रम डिसाइडेड है प्रधानमंत्री के आने का, तो हम फ्यूचर टेंस की बजाय उसको हम कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू जयपुर, द प्राइम मिनिस्टर arrives टू जयपुर टुमारो। अब कहां तो ये लिखना चाहिए था फ्यूचर टेंस में, टुमारो का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, लेकिन फ्यूचर टेंस में अरेंज्ड किसी प्रोग्राम के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर arrives टू जयपुर टुमारो। उसी तरह से देखो सर्दी अपने भीषण रूप में आती है या आ गई है, अगर हम प्रेजेंट हम कहें भीषण रूप में आ गई है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में कहेंगे क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। तो देखो का मतलब लुक या लो, लो लो शॉर्ट में कहते हैं लो, द विंटर कम्स इन इट्स टेरिबिल फॉर्म माने रूप, अपने भयंकर रूप में कम्स देखिए आ जाती, आ गई है, हम कह रहे हैं भीषण रूप में आ गई है, आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि ये एसिड से बोल रहे हैं, लो कितना भीषण सर्दी पड़ती है या भीषण रूप में सर्दी आ चुकी है, उसके लिए हम कहें लो द विंटर कम्स। यहां पे लो के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, इसलिए लो द विंटर कम्स इन इट्स टेरिबल फॉर्म,
इसके बाद देखिए कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ वाली जो बातें हैं, दो एंड दो, टू एंड टू मेक फोर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसी तरह से ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह से कोई भी प्रकृति का नियम है तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हम कहेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो जितनी भी नेचुरल इवेंट्स होती हैं और नेचुरल लॉज होती हैं, नेचुरल इवेंट्स होती हैं और आदत होती है, ही गेट्स अप वेरी लेट एवरी डे, वो रोजाना लेट उठता है, तो जो आदत वाली बात ही स्मोक्स, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल के अंतर्गत हम देखेंगे कि रूल नंबर 10 में समय के साथ सिंस या फॉर लगा होना होने वाले वाक्य में प्रायः परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब वो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो उसमें लगे हुए शब्द के आधार पर हम पहचानेंगे। अगर उसमें 10 साल से, दो मिनट से, 8 दिन से, 8 महीने से आदि अगर इस तरह के भाव हैं और उसमें फ्यूचर टेंस का कोई शब्द लगा होगा, नेक्स्ट टाइम का, या फ्यूचर टेंस का टुमारो, यस्टरडे, टुमारो तो फ्यूचर टेंस का तो विल हैव बीन, यस्टरडे या लास्ट ईयर, तो वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और अगर इस तरह का पास्ट या फ्यूचर का कोई भी कोई इंडिकेटिव वर्ड नहीं है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी के जो वाक्य लिखे हुए हैं उस आधार पर जो हम ट्रांसलेशन करेंगे, मैं इस ऑफिस में 10 साल से काम कर रहा हूं, तो अब यहां पे 10 साल से लगा हुआ है और इसमें समय दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन वर्किंग, वर्क मीन्स काम करना और इसमें आईएनजी लग जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अब इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि अगर टाइम का कोई कलेक्शन है, जैसे 10 साल है, 5 साल है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, 2 महीने आदि है, तब तो ये कलेक्शन ऑफ टाइम होता है, उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ द टाइम, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010 एटसेट्रा, तो उसमें जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या तुम यहां आने से पहले 2010 से आगरा में रह रहे थे, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इस है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होगी, लेकिन हम इसमें हैड बीन दोनों को स्प्लिट कर देते हैं, हैड यू इसके बाद कर्ता लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे, हैड यू बीन अब लिविंग, Had you been living in Kan, in Agra for, sorry, 2010 से पहले, 2010 से पहले, 2010 से आगरा में रहे थे, since 2010, before you, अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आगे होगा, तुम यहां आए इसके पहले से, तुम 10 साल से वहां, 2010 से वहां रह रहे थे, हैड यू बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2010 बिफोर यू केम हियर, बिफोर यू केम हियर, यहां आने से पहले। अंतिम देखिए, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी 10 मिनट से शोर मचा रहे होंगे, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हम बोलेंगे तो 10 मिनट से, लेकिन इसमें क्योंकि दो वाक्य हैं इसलिए हम देखेंगे कि एक तो, एक में तो क्लियर है कि 10 मिनट से शोर मचा रहे होंगे, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा वाक्य है जो अध्यापक के आने से पहले, इसका मतलब कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। फ्यूचर टेंस का जो सप्लीमेंट्री सेंटेंस होता है वो फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है।
तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग के साथ हमेशा नॉइज के साथ ए का प्रयोग होता है, मेकिंग नॉइज नहीं होता बल्कि मेकिंग ए नॉइज बिफोर, क्योंकि इसमें एक सिंप्लीमेंट्री सेंटेंस भी है, बिफोर द टीचर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाता है, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस लग जाता है, बिफोर द टीचर कम्स। रूल नंबर 12 में देखेंगे, लिस्ट वाला वाक्य आता है। लिस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसमें नेगेटिव शब्द लगा हुआ है, ये नेगेटिव इन इटसेल्फ, इट कंटेन्स द नेगेटिव सेंस, तो क्योंकि इसमें नेगेटिव है इसका मतलब कि नहीं का प्रयोग के लिए हम नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें लिस्ट लगने के बाद नॉट इटसेल्फ लाइज इन दैट वर्ड। सो जैसे कहा जाए छाता ले लो कहीं ऐसा ना हो कि भीग जाओ, तो इसमें ना हो कि ये लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं हो कि, तो ये क्या हो जाएगा, टेक एन अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू, भीगने कहते हैं गेट वेट, वेट माने भीगना, गेट माने हो जाना, कहीं तुम भीग ना जाओ इसलिए यू गेट वेट, यू गेट ड्रेंच्ड भी हो सकता है, यू डैम्प भी हो सकता है, डैम्प, टेक एन अम्ब्रेला लेस्ट यू गेट वेट। अगला वही चीज सेंटेंस है, तो मतलब थोड़ा सा अलग, ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो स्टडी सीरियसली, अध्ययन गंभीरता से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, केयरफुल्ली भी कह सकते हैं, सीरियसली माने गंभीरता से, स्टडी सीरियसली लेस्ट, सॉरी यहां तो शुड का प्रयोग होना चाहिए, शुड का प्रयोग यहां पे होगा, लेस्ट यू के बाद यहां हमने नियम में लिखा हुआ है कि लेस्ट यू शुड गेट वेट। यू शुड गेट वेट, उसी तरह से ध्यान से पढ़ो, स्टडी सीरियसली लेस्ट यू शुड फेल, फेल हो जाने के लिए फेल शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके पहले शुड आ जाएगा, वर्ब के पहले शुड आता है। संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड, तो हमें ध्यान रखना है कि कर्ता के बाद हमें शुड का प्रयोग करना है, यहां तो हमने शुड यू ही लिखा है कर्ता, और भी कोई भी कर्ता हो सकता है, ही भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ शुड का प्रयोग आएगा, शुड फॉल डाउन लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। अंतिम जो रूल नंबर 13 है उसमें यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, या हमारी कोई पास्ट हैबिट हो, पुरानी आदत हो, या कोई पास्ट इवेंट हो, या कोई कहानी हो, कोई घटना हो जो बीत चुकी है, पहले की घटना, उस सब के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि कर्ता के बाद हम वी टू का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, और अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे, अब गांधी जी का टाइम नाउ इट इज ओवर, सो उस समय की बात के लिए हम क्या कहेंगे, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। ये ध्यान रखना है, ट्रूथ के साथ हमें द का प्रयोग करना चाहिए, और लाई के साथ झूठ बोलने के लिए हमें टेल ए लाई का प्रयोग किया जाता है, और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ का प्रयोग किया जाता है। मैंने गोदान 10 साल पहले पढ़ी, जो घटना बीत गई है, आई रेड गोदान 10 ईयर्स एगो 10 ईयर्स
एगो, एगो लगाओ, लास्ट ईयर लगाओ, प्रीवियस डे लगाओ, प्रीवियस भी इसमें आता है, प्रीवियस, इसको प्रीवियस भी हम लोग लिख लेंगे पी आर ई, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रीवियस हमेशा पास्ट के लिए आता है, प्रीवियस मीन्स पूर्व तो होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उठने से पहले हम बिफोर प्रीवियसली बिफोर गेटिंग अप, पिछले दिनों पिताजी घूमने जाते थे, लास्ट ईयर फादर, अब क्योंकि ये उनकी आदत थी तो पास्ट हैबिट के लिए लास्ट ईयर फादर वेंट ऑन ए वॉक, घूमने पर जाते थे या वॉक पर जाते थे, ऑन ए वॉक। इस तरह से आई हैव कंपाइल्ड सम स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ द टेंसेस एंड दैट विल बी वेरी मच यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस and the use of the correct form of their use, correct use of their verbs, verbs के correct form का हम सही प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा और टेंस से संबंधित हम समझते हैं बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। जो लोग हमारे वीडियो को या चैनल को शेयर नहीं किए हों, शेयर कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।